तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप जो भी प्रोडक्ट्स वीडियो देखते हैं मैं खुद से परचेस करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक डीजो वायरलेस जिसका हम कंपेरिजन करने वाले हैं इस बोट ओकस 335 स्मार्ट बर्ड एडिशन के साथ। तो यहाँ पर भी आपको जो मैग्नेटिक कंट्रोल वाला फीचर देखने को मिलता है, जैसे आप ये जो ईयरबड्स रहते हैं इसको अगर सेपरेट कर देते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, अगर आप इसको फिर से जो कनेक्ट करके देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, जो कि फीचर आपको इस डीजो वायरलेस में भी देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो लॉन्च प्राइस था ये 1299 था, लेकिन अभी का प्राइस इसके 1499 आपको ये देखने को मिलेगा और इसका प्राइस आपको 1599 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। और इसी प्राइस पॉइंट में दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस डीजो वायरलेस में आपको IPX4 का रेटिंग देखने को मिलता है और इस 335 बोट ओकस 335 में आपको IPX5 का रेटिंग देखने को मिलता है। मतलब अगर नॉर्मल अगर वाटर स्प्लैश हो या फिर स्वेट हो तो ये दोनों यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसका जो प्लेबैक टाइम की बात करें तो ये जो बोट ओकस 335 आपको यहाँ पे क्लेम करता है 30 आवर्स, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं इसका जो डेप्थ यूज़ किया था तो यहाँ पे अराउंड 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम मुझे यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे भी आपको 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका मतलब मैं आज ही रिसीव हुआ तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे कितना टाइम प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आपको लो लेटेंसी के बारे में तो यहाँ पे आपको 88 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी फीचर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लो लेटेंसी फीचर देखने को नहीं मिलता है। बाकी कॉल जो नॉइज़ आइसोलेशन के रिलेटेड तो यहाँ पे आपको एनवायरमेंट नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्वालकॉम CBC नॉइज़ आइसोलेशन का फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉलिंग कैसा है वो भी हम टेस्ट करेंगे। और जो ड्राइवर्स है यहाँ पे आपको 11.2 mm का ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको 10 mm का ड्राइवर्स देखने को मिलता है। तो साउंड क्वालिटी कैसा है वो भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले जो डीजे वायरलेस का एक जो बिल्ड क्वालिटी आपको मैं एक डिटेल्स दे देता हूँ कि आपको इसका बिल्ड क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। तो ये जो रियलमी बर्ड्स 2 नियो पहले लॉन्च हुए थे यहाँ पे सिमिलर जो डिज़ाइन है आपको वही इस डीजे वायरलेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन में यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है, बस ये जो रियलमी बर्ड्स 2 नियो है उस पर आपको मैग्नेटिक टाइप का कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से मैग्नेटिक कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि आप ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये Realme Buds 2 Neo के जगह अगर इस डीजो वायर्ड ईयरफोन होते तो ज़्यादा सेंस बनता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके नेक बैंड की क्वालिटी की तो यहाँ पे ये जो कॉलर फ्लास है मेरे पास मीबी कंपनी की तरफ से, यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक टाइप का बिल्ड देखने को मिलता है सेम टाइप का बिल्ड यहाँ पे डीजो में भी आपको देखने को मिलता है। कोई भी सिलिकॉन मटेरियल का यूज इतना कुछ नहीं किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जो बोट ओकस 330 यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ इसके थिकनेस की, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड यहाँ पे 330 का थिकनेस आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा ये डीजो वायरलेस से, और इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है इस डीजो वायरलेस से। और आप देख सकते हैं इसको आप कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल है तो आप इसको मोल्ड करके ईजिली ले जा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डीजो वायरलेस को आप इस तरह से तो मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादातर टाइम ऐसे नहीं ले जा सकते, मतलब हो सकता है किसी पॉइंट में ये इसी जगह से टूट जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पे देखेंगे साइड बाय साइड इस बोट ओकस 330 में इसी पॉइंट में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है कितना मतलब स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन ये डीजो वाला एरिया आप देख सकते हैं कभी भी ये टूट सकता है। यहाँ पे 330 में आपको मेटल वाला यहाँ पे देखने को मिलता है और ये वाला हिस्सा आपको डीजो में प्लास्टिक वाला देखने को मिलता है। वायर के बारे में दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायर में आपको डीजो में तो एक टैंगल फ्री वाला वायर देखने को तो मिलता है, लेकिन इसका जो थिकनेस है थोड़ा सा पतला है इस 330 के मुकाबले, तो आपको कुछ वायर इस तरह से मिलता है। और दूसरे साइड अगर देखेंगे तो कंट्रोलर्स की, तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन पे आपको प्लस माइनस और प्ले पॉज का बटन देखने को मिलता है इस डीजो वाले में, और यहाँ पे LED नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको सेपरेटली एक सिंगल प्ले पॉज और LED नोटिफिकेशन इधर। और यहाँ पे अगर देखेंगे पीछे के साइड तो इस बोट ओकस 330 में आपको प्लस और माइनस का जो यहाँ पे देखने को मिलता है बटन, यहाँ पे देखिए जो टाइप सी का आपको यहाँ पे इस तरह से कवर देखने को मिलता है, लेकिन डीजो में आपको कुछ कवर देखने को नहीं मिलता है। ईयरबड्स के बारे में बात करें तो दोनों ही
आपको मैग्नेटिक टाइप का यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बोटोक्स 330 में आपको इस तरह से हुक देखने को मिलता है जो कि सिक्योरली फिट होते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से सेपरेट करते हैं तो दोनों में ही इस तरह से ऑन हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये दोनों में आपको सेम फीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक डेमो देख सकते हैं, जैसे इसको मैं सेपरेट करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये LED ब्लिंक हो गया। सिमिलरली डीजो को भी इस तरह से अगर मैं इस तरह से सेपरेट करता हूँ, यहाँ पर भी ये LED ब्लिंक हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इस बोट 335 का बिल्ट आपको मेटल का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ट देखने को मिलते हैं सेम एज Realme Buds 2 Neo। और ये ईयर हुक्स की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। ईयर टिप्स के बारे में बात करें तो इस डीजो वायरलेस में आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की ईयर टिप्स देखने को मिलता है, लेकिन 335 में भी आपको उतना बुरा ईयर टिप्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये था ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों में। तो यहाँ पे मुझे जो डीजो वायरलेस का जो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा कम लगा, लेकिन यहाँ पे जो 335 का बिल्ड क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा है। तभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो म्यूजिक क्वालिटी और यहाँ पे कॉल क्वालिटी और लेटेंसी आपको कैसे देखने को मिलता है उसका एक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट वाला म्यूजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे IGTV में आपको इसका जो हिंदी सॉन्ग में आउटपुट मिल जाएगा। अभी ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपको इसी डीजो वायरलेस से मिल रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली आपको एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन का यूज किया गया है। मैं अपना फैन मीडियम स्पीड में चालू रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करते हैं कॉल करने के लिए तो यहाँ पे जो माइक क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और अभी ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपको इसी बोट 335 स्मार्ट बर्ड्स वाले एडिशन से मिल रहा है, और यहाँ पे आपका क्वालकॉम CBC कॉल नॉइज आइसोलेशन का यूज किया गया है। मेरा फैन में मीडियम स्पीड में रखा हो ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं तो जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। तो ये है Realme Link आप जहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वलाइजर मोड, और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड देखने को मिलता है। इसको ऑन करने के बाद आप जो लो लेटेंसी मोड पे स्विच हो जाएंगे। सो फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको ये दोनों ही नेक बैंड में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट के बारे में, तो मैं बिल्ड क्वालिटी में बोलूँगा इस जो डीजो वायरलेस है ये काफ़ी मुझे लाइट वेट लगे,
और यहाँ पे इसका जो बिल्ड क्वालिटी मुझे 1000 रुपीज़ के लिए ओर्थ लगता है, लेकिन यहाँ पे 1500 के लिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे ओर्थ नहीं लगा। मैक्स आप इसके लिए 1200 पे कर सकते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर बात कर लें म्यूज़िक क्वालिटी में, तो यहाँ पे आपको हल्का सा मतलब बेटर बेस देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी यहाँ पे दोनों में मैं बोलूँगा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बेस कम देखने को मिलता है, और जो वोकल्स भी हल्का सा मुझे यहाँ पे कम लगा। मतलब अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरीज रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम आवाज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब इससे तो बेटर लाउडनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, और साउंड भी यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है। ये 335 का स्मार्ट बर्ड्स वाला एडिशन है, और यहाँ पे म्यूज़िक भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 335 जो ओल्ड वाला वेरियंट पे, वहाँ पे आपको म्यूज़िक इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये स्मार्ट बर्ड वाला एडिशन है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों में ही आपको इस तरह से मैग्नेटिक वाला फीचर देखने को मिलता है, जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और इसको अगर फिर से कनेक्ट कर देंगे ये ईयर टिप्स को तो ये फिर से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये फीचर अच्छा है, जिसके वजह से अगर ज़्यादातर मतलब अगर यूज़ नहीं करते हैं तो एक पावर सेविंग टाइप का एक काम करता है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो कॉल क्वालिटी, तो कॉल क्वालिटी मैं बोलूँगा कि दोनों में ही आपको बेटर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वालकॉम सीबीसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है तो उसके वजह से शायद यहाँ पे मुझे हल्का सा बेटर आउटपुट यहाँ पे लगा, लेकिन दोनों ही आप कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गेमिंग के लिए ये बोट अगर 335 आपके लिए मतलब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको काफ़ी डिले यहाँ पे देखने को मिलना है, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी डेमो दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे 88 मिलीसेकंड का जो लो लेटेंसी मोड देखा दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसको गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रायोरिटी गेमिंग है लेकिन आपको कम प्राइस में एक नेकबैंड चाहिए, तो आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। बाकी साउंड क्वालिटी और मैं बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये था ओवरऑल डिटेल्स ये दोनों ही नेकबैंड के बारे में। आई होप अभी आपका जो डाउट है इन दोनों ही नेकबैंड के रिलेटेड जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे जो कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम में भी चैनल है जहाँ पर हम यूज़फुल प्रोडक्ट के लिंक डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट वहाँ पर भी अवेलेबल हो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।